सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धार के सरदारपुर का किया दौरा। मोहन खेड़ा में आयोजित लाडली बहना सेवा से मिले मुख्यमंत्री, कार्यकर्ताओं से भी रूबरू। बड़वानी में शासकीय विद्यालय के उन्नयन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान। और देवास में अवैध निर्माण कार्य पर लगाए आरोप, दो समुदाय में आरोप प्रत्यारोप, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार जिले के सरदारपुर विधानसभा पहुंचे। सीएम ने जैन तीर्थ स्थल मोहन खेड़ा में आयोजित लाडली बहना सेवा से मिले और सबसे रूबरू होकर सीएम ने लोगों के मन की बात सुनी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जैन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही धार विधानसभा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग जगह पर जाकर मंच को साझा भी किया। वहीं मध्यप्रदेश के सागर में अनुसूचित जाति और आदिवासी वर्ग के खिलाफ अन्याय को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखने को मिला। सागर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विरोध दर्ज कराया, साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कप्तान को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने प्रशासन के दबाव में होने का आरोप भी लगाया। कांग्रेसियों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने की सूरत में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन की चेतावनी दी। हमारे शहर में एक व्यक्ति को मारा गया, जिसकी खबर आज अखबारों में आई है और वीडियो भी वायरल। इस तरीके की सब घटनाएं हमारे शहर में बढ़ती जा रही हैं और ये बहुत ही घृणा करते हैं, तो इसमें हम लोग संगत हैं। पुलिस से मांग की गई है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और आगे शहर में ऐसा कोई कृत्य नहीं हो, इसको लेकर आज एसपी साहब को बैठना पड़ा है। क्या कारण रहा इसलिए बैठना पड़ा था कांग्रेस को? भाजपा अपने कुकर्मों को दबाना चाहती है, तो भाजपा के डर से पुलिसकर्मी बेचारे बहुत ही डरे हुए रहते हैं, बहुत दबाव में रहते हैं, उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर रहता है, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। ने हल्ला बोल किया है। बता दें कि सागर में पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही साथ आदिवासी वर्ग को जो उन पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर ऐसा कहना कांग्रेसियों की तरफ से है कि जो इस वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है उसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं बड़वानी के तलवाड़ा डैम में शासकीय विद्यालय के उन्नयन की मांग को लेकर लगभग 10 गांव के लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। बता दें कि ग्रामीण लंबे समय से शासकीय विद्यालयों में हायर सेकेंडरी की मांग कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने 5 जुलाई से धरना प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और पूर्व सांसद सुभाष पटेल ने धरना प्रदर्शन पर पहुंचकर लोगों से
सीएम और वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया और धरने को स्थगित कर जोर दिया है। हालांकि ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। ग्रामीणों का कहना है कि हमें आश्वासन नहीं आदेश चाहिए। वहीं बड़वानी कॉलेज के ऑडिटोरियम में लाडली बहना का समारोह का आयोजन किया गया और जिसमें महिलाओं ने एक अनोखा गीत गाकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी निक्कू ने चौहान भी मौजूद रहे। साथ ही साथ लाडली बहना योजनाओं में 500 महिलाएं शामिल हुई। मेरा नाम दुर्गा शर्मा। पहले तो मैं शर्तों मार सरस्वती के लिए हाथ जोड़ना चाहती हूँ जिसकी शरण में खड़ी हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। सारी बहनें लाड़ी बहनों को लाड़े लड़ाई उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हम सबकी सहायता करी है। रक्षाबंधन के पहले सहायता करी है ठीक हाँ, और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये बहना जो आपको 1000 रुपए प्रतिभा मिल रहा है इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में यही कहूंगी कि अच्छा तरीका है एक, क्योंकि किसी लेडीज के पास पैसा होता था किसी के पास ना था क्या, उसके लिए बहुत फायदेमंद है क्या, अपने बच्चों के लिए फायदेमंद है, अपने खुद के लिए फायदेमंद है, अपने समाज के अपने पति के लिए फायदेमंद है। आज के समय में सर ये योजना बहुत लाभकारी है क्योंकि इस आज के समय में कोई किसी को 10 रुपए उधार नहीं देता है और जो सर दे रहे हैं शिवा शर्मा जी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष महोदय अश्विनी निक्कू चौहान भी है, उनसे ही बात करना चाह रहा हूँ इस योजना को लेकर। मैं शिवराज सिंह चौहान मामा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने लाडली बहना योजना बनाकर सभी बहनों को लाभ पहुँचाया है। धन्यवाद। खबर रायसेन के पंदरभट्टा ग्राम पंचायत से है जहां पर विगत पंचवर्षीय में रोजगार सहायक सचिव राजकुमार शर्मा और उपयंत्री ने मिलकर मनरेगा कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया। पूर्व में किए गए भ्रष्टाचार की पीड़ित हितग्राहियों ने अधिकारियों से अनेक बार शिकायत की लेकिन अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं को नहीं सुना। तब हितग्राहियों ने जिला पंचायत सदस्य और सभापति बड़े राजा दिग्विजय सिंह से न्याय की गुहार लगाई। सभापति ने जिला पंचायत में मनरेगा कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच करने का मुद्दा उठाया जिस पर जिला पंचायत सीईओ ने जांच कमेटी का गठन कर निष्पक्ष जांच के आदेश किए हैं। भाई साहब के अपना तला का पैसा निकाल लिया गया है। किसने निकाल लिया? जसमंत सिंह। जसमंत सिंह और सचिव ने राम कुमार। अच्छा, राम कुमार शर्मा सहायक सचिव होंगे जी। और पूर्व सरपंच जसवंत सिंह जी। तो आपको पता नहीं था कि मैं पैसा निकाल लिया के जरिए से पैसा निकाल लिया हमारा। अच्छा, आपने केसीसी इनके माध्यम से बनवाई जी? जब इनके माध्यम से बनवाई तो कागज थे इनके पास में, फिर तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारी मन है बाहर से आए तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये तालाब क्यों हुआ है। मैंने उन लोगों से बोला सके सर हमारे पास जब पैसे तुम्हारा पैसा निकल गया है तालाब का, मेरे सर मेरे को नहीं मालूम, तो फिर उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हुआ। तुम शिकायत नहीं की? शिकायत कम से कम 20,000 कर चुकी बाहर शिकायत की। रामपाल कहेंगे सब फायदा जो तुम चूती के बना रहा हूँ महिला ने। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? नहीं। आप क्या चाहते हैं कार्रवाई चाहते करवाना चाहते कर रहे हैं? आपका क्या नाम? भरत राम। आपके नाम से तथा ये आपकी लड़की? हाँ। तो आपने भी शिकायत की? हाँ। अच्छा, और तालाब आपने अपने निजी पैसों से? निजी पैसों से करी थी मैंने, हमने किसी से बनवा। अच्छा, तो आपकी बनी बना तालाब पे उन्हें पैसे निकाल लिए जी? हमने ग्राम पंचायत पंदरभट्टा में भी काफी भ्रष्टाचार हुआ है और ऐसी 8-10 पंचायतें हैं जहां की जांच चल रही है और पंचायतों में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है, जिला स्तर से भी बनाई गई है और जनपद स्तर से भी बनाई गई है। इसी तारतम्य में पंदरभट्टा में काफी भ्रष्टाचार हुआ है, गरीब लोगों के नाम से पैसा निकाला गया है
और उनके काम नहीं हुए हैं और पैसा पूरा सरपंच सचिव ने निकाला है, तो उसकी जांच चल रही है और निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। वहीं सर्व हिंदू समाज ने मुस्लिम समाज की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्य को अवैध होने का आरोप लगाया है। आपत्ति दर्ज करवाते हुए सोनकच्छ नगर बंद कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। मुस्लिम समाज के लोग ने 300 साल पुराने दस्तावेज प्रस्तुत कर चल रहे निर्माण कार्य को वैध बताकर अपना पक्ष रखा। निर्माण कार्य को तोड़े जाने को लेकर सोनकच्छ नगर बंद बुलाया और बस स्टैंड से एसडीएम कार्यालय तक एक रैली के रूप में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया और जिसमें मांग की गई कि अवैध निर्माण कार्य करने वाले मुस्लिम समाज के लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाए, साथ ही साथ तत्काल अवैध निर्माण को तोड़ा जाए, अगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो नगर फिजा भी खराब हो सकती है। एक विवादित जगह को लेकर के बंद का आह्वान किया गया है, उसका प्रकरण तहसील कोर्ट में चल रहा है। आज एहतियात के तौर पर विभिन्न थानों से बंद लाकर यहाँ लगाया गया है। हिंदू संगठन ज्ञापन देने आएंगे, शांति व्यवस्था शहर में बनी रहे, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से कितने जवान कितने थाना क्षेत्र करीबन 60 का फोर्स हमारा लगा हुआ है और मुस्तैद शांति। दोनों समाज से क्या अपील करेंगे? दोनों समाज से यही अपील करते हैं कि अपना शांति व्यवस्था बना के रखें और ज्ञापन वगैरह जो भी अपनी मांग है वो विधिवत मांग अपनी रखें। आज पुरातत्व विभाग की टीम भी आई थी, लेकिन संयोग से 8 जुलाई को एक वर्ग विशेष द्वारा वहाँ पर निर्माण कार्य किया गया और जिससे सर्व हिंदू समाज में रोष व्याप्त हुआ और आज हम सब लोगों ने, और मैं कहता हूँ कि सोनकच्छ के इतिहास में शायद इतनी बड़ी संख्या कभी सड़क पर नहीं आई होगी। पांव रखने की जगह सोनकच्छ में नहीं थी, एक सिरा यदि एसडीएम कार्यालय में था तो एक सिरा बस स्टैंड के आगे था। मैंने प्रशासन से यह कहा कि हमारी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ये कि एक अच्छा हिंदू हो, अच्छा मुसलमान एक अच्छा मुसलमान हो, अच्छा सिख एक अच्छा सिख हो, अच्छा ईसाई एक ईसाई हो, जो सब धर्मों का आदर करते हुए अपनी उपासना पद्धति से काम करे। वहीं बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि कुल्लू मनाली में लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है। लैंडस्लाइड में फंसे दो खंडवा के युवक श्रीखंड महादेव के दर्शन करने गए थे युवक, और जिसके बाद उनके फंसने की खबर सामने आ रही है। सांसद और विधायक से रेस्क्यू करने की अपील की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां पर कुल्लू मनाली में लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है। लैंडस्लाइड में दो युवक फंसे हुए हैं खंडवा के, जो कि श्रीखंड महादेव के दर्शन करने गए थे, जिसके बाद अब सांसद और विधायक के रेस्क्यू की गुहार लगाई गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड का शिकार हुए हैं दो युवक, श्रीखंड साहिब का दर्शन करने गए थे और उसके बाद खंडवा के ये दो युवक फंस चुके हैं कुल्लू मनाली में, जिसके बाद अब विधायक और सांसद से मदद की गुहार लगाई गई है। कुल्लू मनाली की तस्वीरें जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और इसमें खंडवा के दो युवक भी फंसे हुए हैं। वहीं नरसिंहगढ़ के पिपलिया रसोड़ा पचौर में व्यवसायी के अपहरण के बाद हुई हत्या को लेकर प्रशासन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया, जिसमें कच्चे पक्के मकानों में धराशायी किया गया है। और बता दें कि आरोपियों के परिवारों ने विरोध भी किया है। वहीं नरसिंहगढ़ बीजेपी विधायक राजवर्धन सिंह ने और कांग्रेस के पूर्व विधायक गिरीश भंडारी के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच जिला प्रशासन टीम ने बोड़ा थाना नगर पंचायत, बोड़ा राजस्व विभाग, बोड़ा टीम, पचौर थाना
पुलिस समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इधर कांग्रेस नेता रघु परमार कार्यकर्ताओं समेत उपस्थित लोग वहां पर मौजूद रहे। सभी ने रघु परमार ने कहा कि हत्या के दोषियों को सजा दी जाएगी। आज जो रोहला समाज का घर तोड़ा गया है, इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं था। इनके लड़के का दोष ये कह रहे हैं कि अगर वो दोषी है तो उसको सजा सुना दे, पर ये क्या तरीका है प्रशासन का कि एक निर्धन गरीब व्यक्ति का प्रशासन के द्वारा घर तोड़ा गया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और विरोध भी करते हैं कि इस तरीके से जो कार्रवाई एक दर्शाने के लिए प्रशासन कर रहा है, ये शिवराज सिंह जी की बिल्कुल गलत कार्रवाई है, यहाँ के विधायक की गलत कार्रवाई है। हम इसका घोर विरोध करेंगे और इसका जितना भी नुकसान हुआ है मैं हाथों हाथ इसको नए अभी हाल चक्कर दिलाऊंगा और इसका जितना नुकसान है उसकी भरपाई मैं खुद करूंगा। मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। एसोसिएशन ने इमरजेंसी सेवाएं भी रोक दी हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानियां हो रही हैं। सभी नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इन मांगों में वेतन वृद्धि, पदोन्नति, प्रकरण का निराकरण जैसे डिमांड शामिल हैं। इससे पहले भी इस हड़ताल के बारे में नर्सिंग कर्मचारियों ने अपना रोष जाहिर किया था, लेकिन सरकार की ओर से न बातचीत की पहल की गई और न ही कोई आश्वासन मिला है। एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने सरकार को सारी मांगों की जानकारी काफी पहले दे दी थी। जुलाई 2023 से नर्सिंग एसोसिएशन की 10 मांगे थी जो हमने 3 जुलाई से स्टार्ट की थी। सरकार को हमने पहले भी आगाह किया, 3 तारीख से हमने 1 घंटा 1 दिन अधिक काम किया, दूसरे दिन 2 घंटा अधिक काम किया और दिनांक 9 जुलाई तक हमने इन मांगों को पूरा होने तक का इंतजार किया, परंतु शासन की तरफ से हमें कोई सूचना नहीं दी गई। इसलिए आज दिनांक 10 जुलाई 2023 से नर्सिंग एसोसिएशन के आह्वान पर हम अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। एमपी में आदिवासियों दलितों के साथ अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल एक मामला शहडोल जिले के कोतवाली क्षेत्र के पुरानी बस्ती से सामने आया है, जहां पर मजदूरी कर घर वापस लौट रहे एक दलित आदिवासी को उसी के क्षेत्र के 3 दबंगों ने बेरहमी से धारदार हथियार से हमला किया। इस हमले में गंभीर चोट आने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में पहुंचकर फिर दबंगों ने वहां भी मारपीट करने की कोशिश की। दबंगों के इस अत्याचार से घायल के परिजन दहशत में रो रोकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ितों की मदद के लिए पुलिस महकमा खामोशी अख्तियार कर किया नजर आ रहा है। शनिवार की शाम को 6:30 बजे जब वो अपने घर तरफ जा रहा था तो वहीं पुरानी बस्ती का रहने वाला लक्की दाहिया अपने अन्य 2 साथियों के साथ उसके पास आया और उसके साथ मारपीट करी है। उसने मारपीट उनके बेल्ट से भी करी है, उसके पास तलवार रखे थे, तलवार की मुठ से भी मारपीट किया है। उसके मारपीट होने के बाद ज्यादा घायल होने से स्वतः अपने सीधा जिला अस्पताल चिकित्सालय चला गया था और उसने अपना इलाज कराया। अस्पताल से हमारे पास तहरीर भी बाद में आई है, जिसके बाद में उसके हमने बयान भी लिए हैं। प्रकरण में आरोपी लकी दाहिया व अन्य 2 साथियों के विरुद्ध हमने 327, 323, 324 और 506-34 के संबंध में FIR पंजीकृत की है, उसमें विवेचना की जा रही है और आरोपी की तलाश करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम चौधरी। कहाँ रहते हो? पुरानी बस्ती। क्यों मार रहे हो? क्या मामला है? मेरे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है।
कौन है ये जिसको कौन मारे नाम बताओ फिर से। ये लड़की का नाम और उसके दोस्त लोग मिल के मारे मेरे को रास्ते में। मजदूरी करता हूँ, घर जा रहा था काम, 6:30 बजे की घटना है ये शाम को, कल कल शाम की। वहीं बीते सोमवार को विश्व मछुआरा दिवस के मौके पर उज्जैन में सहकारी भारती के तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मछुआरे शामिल हुए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मछुआरों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रदेश प्रमुख धनीराम रायकवार्ट भी मौजूद रहे। आज विश्व मछुआ दिवस है, उस पर मैं सभी लोगों को, हमारे मछुआरे भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हमारे बाथम साहब हमारे विश्वविद्यालय में आए, मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं, और सभी इस संघ से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं आदर करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे हैं वो आज आपके मार्गदर्शन में फील्ड में जाकर के बहुत सारा काम करेंगे, सीखेंगे, पढ़ाएंगे हम और सिखाएंगे। बाथम साहब के आशीर्वाद से हमारे बच्चे उसमें अच्छा और अच्छा कार्य करेंगे, खासतौर से मछली के विभिन्न प्रोडक्ट बनाएंगे। उस पर मैं बाथम साहब का आशीर्वाद हमारे बच्चों के लिए मैं चाहूँगा, और हमारे जो मछुआरा भाई हैं उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। मैं पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चालू कर रहा है विक्रम विश्वविद्यालय ने फिशरीज का कोर्स शुरू किया है, और उसमें क्या है, हम लोग तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जैसे बाथम साहब ने अपने भाषण में अभी आप लोगों ने सुना होगा, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब उसे ज्ञान नहीं होगा। तो हमारे जो मछुआ समाज के हमारे मछुआ भाई लोग आए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ने 3 घोषणाएं की थी। एक तो ये की थी कि जितने भी तालाब हैं, ग्रामीण तालाब, सभी तालाबों पर मछुआरों का हक दिलाएंगे। दूसरी ये घोषणा की थी उन्होंने कि हम हर जिले में मछुआरों का एक भवन बनाएंगे, विशाद मंगल भवन, और स्टेचू भी लगाएंगे, मूर्ति लगाएंगे। और तीसरा कहा हमारे मछुआरों पर जितनी भी समस्याएं हैं सरकार की तरफ से कोई आपत्ति उनके ऊपर कर्मचारियों के ऊपर नहीं लगाएंगे। बाकी की 4 योजना है, बायोफिलाप 10 लाख सरकार देती है, 4 लाख रुपए उसमें माफ होते हैं। एक RAS, इसमें 50 लाख की योजना है जिसमें 20 लाख सरकार सब्सिडी देती है, ये भी मछुआरों के लिए है। सावन के पहले सोमवार को महाकाल की पहली सवारी पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। राजयुद्धकार महाकाल चांदी की पालकी में विराजित होकर प्रजा का हाल जानने के लिए भ्रमण करते हुए नजर आए, जिस दौरान लाखों की भीड़ उमड़ी। सावन के पहले सोमवार भगवान महाकाल की सवारी निकली। सभा मंडप में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव, महापौर मुकेश टटवाल, कलेक्टर और SP ने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर पालकी को कांधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।